देश के कई राज्यों के लोग अभी तक बीते दिनों आए तूफान ताउतिस से ही हुई तबाही से ही नहीं उभर पाए हैं। ऐसे में एक और नए तूफान का खतरा पैदा हो गया है। इस तूफान को यास नाम दिया गया है। मीडिया सोर्सेस के जरिए मौसम एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि यह तूफान नॉर्थ अंडमान सागर और उसके साथ लगते ईस्ट मिडल बंगाल की खाड़ी से उठ सकता है, जबकि 24 या 25 मई तक यह चक्रवाती तूफान में तब्दीली हो जाएगा। अगले दिन यह तूफान बंगाल में समुद्री तट से टकराएगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु के अलावा अंडमान निकोबार के इलाकों में इस तूफान से तबाही होने का खतरा है। इसके मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने भी अलर्ट करते हुए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत इन सभी 5 संवेदनशील राज्यों को तटवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 में भर्ती मरीजों को कहीं और शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है। दिल्ली के पहलवान हत्याकांड के तार पंजाब से जुड़े हाई प्रोफाइल बन चुके हैं। पहलवान हत्याकांड में आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार फिलहाल तक फरार हैं। पुलिस छानबीन में पंजाब के बठिंडा इलाके के सुखबीर उर्फ काला पहलवान का नाम भी इस मामले में जोड़ रही है। दरअसल फरार सुशील पहलवान के पास जो मोबाइल फोन रहा है उसमें सुबह पहलवान का पता दर्ज है। काबिले जिक्र है कि आरोपी सुशील ओलंपिक में मेडल विजेता है और उन पर फरार होने के बाद 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है। हरियाणा पुलिस भी उनकी तलाश में लगी है। सुशील की लोकेशन पहले उत्तराखंड के अलावा हरियाणा में मिली थी। यह भी बता दें कि जूनियर चैंपियन पहलवान सागर का स्टेडियम में इसी बात को लेकर अन्य लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद हमले में पहलवान सागर की जान चली गई थी। बड़ा हादसा, बन रही टनल में चट्टान गिरने से मजदूरों की मौत। यह दर्दनाक हादसा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हुआ है, जहां गणसा खाटी के मनिहार में NHPC स्टेज 2 की टनल बन रही थी। अंदर अचानक चट्टाने खिसक कर गिर पड़ी, जिसमें दबने से 4 मजदूरों की मौत होगी। गौरतलब है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में निर्माण अधीन सड़कों और टनलों के अलावा बांध आदि बनाने के काम के दौरान पिछले कई सालों से चट्टानों के खिसकने के मामले सामने आ चुके हैं। पर्यावरणविद और अन्य एक्सपर्ट्स इस बारे में आगाह कर चुके हैं कि कुदरती स्रोत अत्यधिक दोहन किए जाने पर आपदा आने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। पड़ोसी देश चीन में देर रात जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 7.4 आंकी गई है। हालांकि इसका असर भारत में होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह भूकंप भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे आया था। इसका असर चीन के नॉर्थ वेस्ट किंग है राज्य में देखने को मिला, कि जिसकी वजह से चीन में लगातार कई घंटों तक बहुत से इलाकों में झटके महसूस किए गए।